गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। सब लोगों ने देख ली ओपनहाइमर, लगा दिया सोशल मीडिया में स्टोरी, लगा दिया, बोल दिया आई एम फाइन ऑफ एटॉमिक बम, मेरे को फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जियोपॉलिटिकल में इंटरेस्ट है, बना लिया अपना सीन। भैया इंडियन शर्म करो, तेरे को मालूम है क्या इंडिया में किसने बनाया एटम बम? क्या तेरे को मालूम है हिस्ट्री? नहीं, अमेरिका की हिस्ट्री से बल्ले बल्ले नाच रहे हो तुम लोग। वही अमेरिका है जो कभी इंडिया पे एटम बम डालने वाला था, मालूम है तुमको? नहीं है तो आज मैं बताता हूं इंडियन एटॉमिक हिस्ट्री, ये सुनिए आप लोग। तो एटॉमिक रेस चालू हुआ जो ओपेनहाइमर में आपने देखा, आगे की स्टोरी मैं अब बताता हूं। तो एटॉमिक रेस चालू हुआ, सबसे पहले अमेरिका ने तबाही मचाई 1947 में एटॉमिक बम टेस्ट किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका हिरोशिमा नागासाकी को तबाह कर दिया। उसके बाद 1949 में हमारी रशिया जो है वो भी बोली कि मेरे पास भी एटॉमिक, उन्होंने भी टेस्ट कर दिया। फिर 1952 में इंग्लैंड मतलब यूके जो अभी क्या यूके, उसने एटॉमिक बम टेस्ट कर दिया। 1916 में फ्रांस ने टेस्ट कर दिया एटॉमिक बम, और 1964 में जाके चाइना ने एटॉमिक बम टेस्ट कर दिया। इसके बाद ये सारी नेशन मिलके बनाती है एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोफाइलिक ट्रीटी, समथिंग लाइक दैट, प्रोफाइलिक ट्रीटी, आई कांट प्रोनाउंस इट। सो ये ट्रीटी में ये है, बोलने का मतलब है कि हम लोग अब कोई एटॉमिक बम नहीं बनाएंगे और कोई कंट्री जो है उसको बनाने भी नहीं देंगे साले। तो इसका बदले का मतलब ये है कि जब एटॉमिक बम के जो टेक्नोलॉजी और जो चीज अब हमारे पास रहेगी और किसी के पास नहीं। 192 नेशंस ने उस ट्रीटी पे साइन कर दिया, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल ने साइन नहीं किया था, बाद में नॉर्थ कोरिया भी बैकआउट कर गई थी उस ट्रीटी से। उस ट्रीटी का जो सबसे बड़ा, इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के लिए, उसके लिए हम थोड़े से समझाते हैं। 1965 में क्या हुआ, चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, मालूम होगा आप लोगों, जिसको नहीं मालूम नहीं होगा ना, आप लोग तो देख रहे हो ओपनहाइमर। 1965 में चाइना में इंडिया ने अटैक कर दिया, अटैक करके अस्काई चीन छीन लिया, जो कश्मीर का मायाप है ना उसके राइट साइड में ना अस्काई चीन अभी भी चाइना का लैंड है, उसके लिए ना अभी भी हिंदुस्तानी और चाइनीज जो फोर्स है ना वो लड़ती है, मतलब दे हैव अ ट्रीटी की दे कांट फायर और दे कांट, तो दे कैन हाथ मुक्कल सही लड़ती है, तो अभी भी चल रहा है वो अस्काई चीन का 1965 का। उसके तुरंत चाइना से वॉर, उसके तुरंत पाकिस्तान से वॉर हो गया अपना 67 में, और उस वॉर में हालांकि पाकिस्तान हार गया, लेकिन जो प्रॉब्लम ये था कि इंडिया को लग गया था कि अब मेरे को अगर लड़ना है, सॉरी 1965-66 में अगर मेरे को अब लड़ना है तो मेरे को वर्ल्ड में ये बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, एटॉमिक बम बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम के जो पीएम थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, याद रखे, नाम याद रखेगा, लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने होमी जहांगीर बाबा को लिया, दोराबजी टाटा को लिया और बोला कि भैया अब हमको भी चाहिए टेक्नोलॉजी, हमको भी चाहिए होना एटॉमिक बम। और 1966 में जो होमी जहांगीर बाबा, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमारे पास सब कुछ है, इसलिए बाबा को ग्रेट बोला जाता है, हमारे पास सब कुछ है, बस 18 महीने का टाइम मिल जाए तो हम एटॉमिक बम बना देंगे, इसीलिए दैट्स व्हाई बाबा इज डन ग्रेट। उसके बाद 6 महीने के अंदर रहस्यमय तरीके से होमी जहांगीर बाबा का प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हो जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जी का ताशकंद में हार्ट अटैक से सडन डेथ हो जाता है। ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दोनों का, कौन मरवाया इनको मालूम है, अमेरिका मरवाया, जिसके लिए ओपेनहाइमर के लिए तो बल्ले बल्ले कर रहे हो। वे फॉरवर्ड टू 1971, इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, पाकिस्तान सर्च ऑपरेशन करता है वो बांग्लादेश में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इंडिया के एयरबेस पे अटैक कर देता है, इंडियन ट्रूप फाइटर जेट घुसती है, पाकिस्तान को तबाह कर देती है, 3 दिन में हम लोग वो वॉर जीत लेते हैं। लेकिन इस वॉर में आगे क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। ईस्ट कोस्ट से अमेरिका अपना जहाज भेज देता है, वेस्ट कोस्ट से यूके अपना जहाज भेजता है इंडिया पे अटैक करने के लिए। उस टाइम पे हमारा INS विक्रांत एक वो, और दूसरा हमारा वो रशिया ने हमारी मदद की थी, दैट्स वाई वी हैव सेव्ड। इसके बाद आप जाके पढ़ लेना, US बोलता है कि इंडिया पे हम न्यूक्लियर अटैक मारेंगे, समझ लो, US बोलता है इंडिया पे हम न्यूक्लियर अटैक मारेंगे, और यही US के बल्ले बल्ले आप कर रहे हो ओपेनहाइमर देख के, समझ रहे हो ना। तो US बोलता है अटैक मारेंगे और यही आप सैल्यूट करते हो, ओपेनहाइमर इज अ ग्रेट, घंटा ग्रेट। उसके बाद क्या होते हैं, वाजपेयी जी बोलते हैं कि बुलाते हैं उसको अपने APJ अब्दुल कलाम भाई को, और उस टाइम जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो लीड कर रहे थे, पी चिदम्बरम नाम था उनका,
वो फिनांस मिनिस्टर थे, दूसरा पीछे था, उनको बुलाते बोलते भैया अब हम लोग को कुछ करना होगा, कि वाजपेयी जी उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी ने देख गो अहेड कि भैया ये तो धमकी दे रहा है यूएस वाला, इसको कुछ करना होगा। और इसीलिए इंडिया क्या करती है, स्माइलिंग बुद्धा टेक्नोलॉजी, स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट करती है, दैट इज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट इतना बड़ा नहीं होता है, ये न्यूक्लियर टेस्ट माइनिंग के लिए, हॉट डिगिंग के लिए बोलते टेस्ट करते। इंडिया इज स्टिल नॉट पावरफुल नेशन। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वाले के बारे में बताएंगे, कैसे पाकिस्तानी लोगों ने चोरी करके नीदरलैंड से AQ खान ने टेक्नोलॉजी लाया, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद क्या होता है, इंडिया में इमरजेंसी लगता है, इंदिरा गांधी की सरकार जाती है, इंदिरा गांधी को गोली मार दी जाती है, आप समझ रहे हो क्यों, अमेरिका ने मरवा दिया न्यूक्लियर वेपन फोड़ा, तो उसके बाद उनको मरवा दिया जाता है। उसके बाद इंडिया एक अपना इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजरता है 1990 में, मनमोहन सिंह जी और पी चिदम्बरम सॉरी पीवी नरसिम्हा राव जी अपना वो खोलते हैं, इंडिया की इकोनॉमी बाहर खोलते, तो इंडिया की इकोनॉमी रिच होती है। वे फास्ट फॉरवर्ड टू 1995 अटल बिहारी वाजपेयी जी की फिर से सरकार बनती है। वो बंदा जिन्होंने 1972 में स्माइलिंग बुद्धा सपना नहीं छोड़ा था उसने, लेकिन दिक्कत क्या होती है, 13 दिन में वाजपेयी जी की सरकार गिर जाती है। फिर 1992 में वही पी चिदम्बरम, वही APJ अब्दुल कलाम और वाजपेयी जी मिल के 1996 में छोड़ देते हैं हमारा पोखरण ब्लास्ट, एंड इंडिया बिकेम द न्यूक्लियर पावर। समझ गए, तो इंडिया के न्यूक्लियर पावर में ना होमी जहांगीर भाभा जिन्होंने लिखा था ना, जिसने बनाया था, उसका सबसे बड़ा हाथ है। एंड वी नेवर अमेरिका से चोरी करके, अपन साइंटिस्ट नहीं हायर किए थे ये, अमेरिका तो कुछ तो दिमाग है नहीं, वो हमारा जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मन, हाइगेनबर्ग जर्मन, आपका ओपनहाइमर जर्मन, सब चोरी करके बना दिए। जय अमेरिका कर रहा हो मूवीज में, हॉलीवुड मूवी में, तो हॉलीवुड इज नथिंग बट मैन सॉफ्ट टारगेट दीप फैलाता है अपने आकर। तो इंडियन हिस्ट्री समझो और ये सब लगाना बंद करो। चलो जो लोग बोले थे मैं कुछ नहीं समझता, सब समझता। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।